एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोल के आप लोगों से मंथली, ईयरली या हाफ ईयरली के रूप में सब्सक्रिप्शन अपना बेच सकते हैं या फिर उनसे मंथली में पैसे ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आप जो है कहीं भी एकेडमी में भाग लेते हैं तो उसकी फीस देते हैं, तो इस तरह से आप जो है अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी में कोई भी लोग ज्वाइन करते हैं तो उनसे आप महीने एक फीस या सब्सक्रिप्शन फीस जो है आप लोगों से ले सकते हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से आप किसी भी तरह का स्पोर्ट्स इवेंट या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब कभी भी आप कोई स्पोर्ट्स एकेडमी या टूर्नामेंट को आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बदले में जो भी उसमें भाग लेने वाली टीम होती है या जो भी लोग उसमें भाग लेने वाले लोग आते हैं तो उनके बदले भी आप जो है एक अच्छी खासी अमाउंट को जो टूर्नामेंट में भाग लेने की फीस के रूप में भी आप ले सकते हैं। तीसरी चीज, आप कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर आप कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस टूर्नामेंट में आप किसी भी दूसरी कंपनी से, या सपोज कीजिए कि आपके अगल बगल कोई कंपनी हो, कोई बड़ी दुकान हो, कोई सेल्स का कुछ भी ऐसा हो, तो आप जो है उनका स्पॉन्सरशिप करके भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको इस जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जितने पैसे आप अपनी सब्सक्रिप्शन बेच के नहीं कमा सकते हैं या जितने पैसे आप टूर्नामेंट में मतलब ऑर्गेनाइज करके नहीं कमा सकते हैं उससे ज़्यादा पैसे जो है आपको स्पॉन्सरशिप से मिलती है। अगर किसी कंपनी ने आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट में किसी कंपनी को इंटरेस्ट है तो वो कंपनी आपको अच्छे खासे पैसे देती है, केवल वो अपना नाम को आगे लाना चाहती है। जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा किसी भी तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है शर्ट में या फिर बोर्ड में इस तरह से बैट में अपना कंपनी का स्पॉन्सरशिप करती है। तो आपकी जो एकेडमी होगी, आपका टूर्नामेंट होगा कितना बड़ा होगा उसके हिसाब से भी आपको लोकल स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है और आपको एक अच्छे खासे कंपनी भी स्पॉन्सरशिप दे सकती है। दोस्तों, जब से कोविड आया है तब से लोग अपनी सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और आप अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से इसका जो है फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि आज जब लोग जागरूक है तो आप जो है अपना स्पोर्ट्स एकेडमी में होने वाले कार्यक्रम, खेलकूद, इन सबको लोगों को ऑनलाइन जानकारी दे सकते हैं। और ऑनलाइन में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप अपने चैनल पे या अपना पेज बना के लोगों को अपने साथ में या अपनी एकेडमी में ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके बदले में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि आपको अपनी एकेडमी का जो भी खेलकूद हो रहा है उसके वीडियो, फोटो, ये सारे कुछ को हमेशा ही सोशल मीडिया पे अपडेट करना पड़ेगा। और जब जैसे जैसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी जो ब्रांड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गया। जैसे ब्रांड की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है, जैसे लोग ज़्यादा जुड़ते हैं तो आप खुद ही जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप में पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन में लोगों से पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ब्रांचेस ओपन करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पास चार ऐसे तरीके बताए जो कि खेलकूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से आप जो है खुद बहुत एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और जब से हमारे देश में कोविड आया है, कोविड के आने के बाद लोग अपने हेल्थ में जागरूक हुए हैं, लोग बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम भी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में भाग भी ले रहे हैं और उनको जो है गाइडलाइन देने के लिए भी बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं लोगों को, लेकिन आप इसको एक नेशनल वाइज लेके जाना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की स्पोर्ट्स एकेडमी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अलग अलग माध्यम से, मैंने केवल अभी इस वीडियो में चार माध्यम बताए, इसके पहले और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे डिजिटल मार्केटिंग के लिए या इस तरह के जो ऑनलाइन आपको अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे कुछ खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में आप एक अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, कैसे होगा इसका रजिस्ट्रेशन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही पैसे कमाने को लेके जो जेन्युइन नॉलेज है उसकी जानकारी मैं अपने चैनल पे हमेशा देता हूँ और सारा कुछ लीगल जानकारी देता हूँ ताकि आपको कोई ऐसी गलत जानकारी नहीं देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए। और ये सब जानकारी हमेशा लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी मत भूलेगा, और आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर पे भी आप कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के विषय में। स्पोर्ट्स एकेडमी सबसे पहले जानेंगे होता क्या है। तो इस एकेडमी का मतलब, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेलकूद, एकेडमी का मतलब होता है एक संस्था। तो ऐसी संस्था जो खेलकूद के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही है या उसको सहयोग कर रही है, उसमें आने वाले खिलाड़ियों की मदद कर रही है ताकि खेलकूद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और हमारे देश में आपने पहले के मुकाबले देखा होगा कि अभी काफी लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन आज भी हमारा देश खेलकूद के मामले में बहुत ही पीछे है। आज भी हमारे देश में जो प्लेयर्स लोग हैं उनको सही से उनको फैसिलिटी नहीं मिलती, जिससे कि आज भी हमारा देश ओलंपिक में क्या स्थिति है वो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इन सब कोई को आपके खुद पैसा कमाने की मत सोचिए, आप पैसे तो कमाएंगे ही, लेकिन इसके साथ में आप देश की सेवा भी कर सकते हैं, उन लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो लोग स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, खेलकूद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी ये होता है कि हम लोग यहाँ पास जब एक स्पोर्ट्स एकेडमी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इससे हम लोग को फ़ायदा क्या होता है कि पहले तो आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, दूसरी चीज़ जो पैसे की कमी है वो भी आप लोगों से दान के रूप में ले सकते हैं, और मैंने कुछ तरीके बता भी दिए हैं कैसे कैसे पैसे कमाना है। तो स्पोर्ट्स एकेडमी जनरली जो होती है MCA में रजिस्टर होती है सेक्शन 8 कंपनी के रूप में। सेक्शन 8 कंपनी के विषय में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी होती है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कि आप इसमें डायरेक्ट फायदा नहीं कमा सकते। तो जब फायदा नहीं कमा सकते तो मैंने कैसे अभी बताया कि आप ऐसे ऐसे पैसे कमा सकते हैं, तो इसके कुछ अलग रूल्स है वो मैं आपको आगे चल के अभी इस वीडियो में बताऊंगा भी। तो पहले आपको जानना है सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होती है जहां पास आप डायरेक्ट फायदा नहीं ले सकते। हाँ, यहां पास आपको एक फायदा यह होता है सेक्शन 8 कंपनी में कि इसके डॉक्यूमेंटेशन कम होते हैं, और इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल होता नहीं है। इसमें अगर आपको कुछ भी पैसा लेना है तो आप एज ए डायरेक्टर इस कंपनी में आप जो खर्चे के रूप में ले सकते हैं और साथ में एक सैलरी के रूप में ले सकते हैं। अब सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो सेक्शन 8 कंपनी बनाने में कम से कम आपको दो लोगों की आवश्यकता होती है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। कोई मैटर नहीं कि वो आपकी फैमिली का हो या फैमिली से बाहर का हो, इससे कोई मैटर नहीं होता है। वो आपकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी भी एज 18 साल है, आप भी कोई खेल से संबंधित है या नहीं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका मेन पर्पज़ क्या है, लोगों की मदद करना। अब सेक्शन 8 कंपनी बनाने में डॉक्यूमेंट लगता है, दो लोगों का आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक स्टेटमेंट लगता है, ऑफिस का रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिक बिल लगता है। सेक्शन 8 की जो कंपनी होती है या आपकी जो स्पोर्ट्स एकेडमी कंपनी बनाने आप जा रहे हैं, ये आपको 5 से 10 दिनों के अंदर ये बन के आ जाती है। अब जब भी आप अपना एक एकेडमी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप इससे पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपने जहां रजिस्टर करवाया है केवल आप वहीं काम कर सकते हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अब मैं इसके विषय में थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन कहता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे इसमें पैसा आता है। मैंने पहले बता दिया कि डोनेशन के रूप में भी पैसा आता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या कोई कंपनी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो वो आपकी कंपनी को डोनेशन भी दे सकती है, और आपके यहाँ जो लोग खेल रहे हैं उनको स्पॉन्सरशिप भी दे सकती है। ध्यान दीजिए इस बात को, कोई कंपनी आपको डोनेशन भी देगी, डोनेशन भी दे सकती है, और डोनेशन का मतलब होता है कि वो कंपनी ने पैसा आपको दे दिया, ना ही वो पैसा आपको उसका इंटरेस्ट देना है, ना ही वो पैसा उनको वापस करना है। डोनेशन का मतलब होता है एक बार जो दे दिया, अंदर आ गया तो आ गया, वापस उस कंपनी में नहीं जाएगा। कोई भी कंपनी आपको डोनेशन देगी, आप इसके साथ में स्पॉन्सरशिप देगी। स्पॉन्सरशिप में जैसे अभी आपने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो उसमें क्या कि आप बोर्ड वोड लगाना है तो उस कंपनी का लग गया, या जो प्लेयर लोग कपड़े पहने उस तो उसमें भी उस कंपनी ने अपना नाम लगा दिया। बहुत तरह के इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन अपना बेच सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी है। जैसा अभी हम लोग बोलते हैं आपको कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इसका मतलब होता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी यहाँ पास मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है, मेरी भी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जब आपका भी जो प्रोग्राम है, अगर आपने अपनी
जो सेक्शन एट कंपनी है उसकी आपने वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं आप, तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। और लोग जितना ज़्यादा आपसे जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, जितने ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी उतने ज़्यादा आपके पास में पैसे आएंगे, कंपनी उतनी ज़्यादा आपको पैसे देगी। तो ये है स्पोर्ट्स एकेडमी का खेल। अगर आपको लगता है कि ये खेल आपको खेलना चाहिए तो आप खेल सकते हैं, और इसके लिए दो लोगों से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें पैसे नहीं खर्चे होते हैं। 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार के बीच में एक स्पोर्ट्स एकेडमी रजिस्टर होती है। इसमें अलग अलग रेट इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ कुछ स्टेट की फ़ीस ज़्यादा है। हाँ, आप पहला दिन से ही काम कर सकते हैं, लोगों जो भी आपकी एकेडमी में जुड़ना चाहे आप उनसे मंथली कुछ भी पैसे ले सकते हैं, 5, 10, 15, 50 हज़ार जो भी ले सकते हैं आपकी अपने मतलब एकेडमी को चलाने के लिए, क्योंकि एकेडमी चलाने के लिए आपको स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, वो सारे ऐसे चाहिए, तो वो सब खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप लोगों से भी पैसे ले सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में भी एक उसको वेबसाइट बना के भी आप लोगों से मतलब सब्सक्रिप्शन ऐड करवा सकते हैं, लोगों से डोनेशन ले सकते हैं, और कोई भी टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी फायदा होता है, आपका खुद का इंटरेस्ट है तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी काम आई होगी, और काम आने से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।